आज हम क्या देखेंगे, स्टेट रिडक्शन देखेंगे। अब स्टेट रिडक्शन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या किया जाता है, नंबर ऑफ स्टेट्स को, मतलब अननेसेसरी जो स्टेट्स हैं उनको क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। जिससे क्या होगा, अननेसेसरी स्टेट्स हटेंगी तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कम लगेंगे, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम होगा। मतलब हमारा जो कॉस्ट ऑफ डिजाइन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हमें इसमें क्या दिया हुआ रहेगा, एक सर्किट, ये स्टेट डायग्राम दिया हुआ है। इस स्टेट डायग्राम को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, रिड्यूस करना है, मतलब इसमें से अननेसेसरी स्टेट्स को क्या करना है, हमें हटाना है। तो उसके लिए क्या जरूरी है, पहले हम क्या बना दें, इसको देखकर स्टेट टेबल बना दें। अब हमारी जो स्टेट्स हैं वो क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये क्या है हमारी स्टेट्स हैं। और उन पर देखो, जैसे ए पर हमने जीरो इनपुट दिया तो हमें क्या मिल रहा है, जीरो आउटपुट मिल रहा है। मतलब स्लैश से पहले जो है वो क्या है, इनपुट है, और बाद में जो है वो क्या है, आउटपुट है। और यही जीरो इनपुट देने पर हमें वापस स्टेट क्या मिल रही है, ए मिल रही है। तो अब इसी को देखकर हम क्या बना देते हैं, स्टेट डायग्राम बना देते। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, यहां पर हमने प्रेजेंट स्टेट लिख दिए, यहां पर हमने नेक्स्ट स्टेट लिख दिए, एट इनपुट जीरो एंड एट इनपुट वन। इसी तरह से हमने यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, आउटपुट लिख दिया है। अब पहले हम स्टार्ट करते हैं ए से। अब ए पर जब हम इनपुट दे रहे हैं जीरो, तो हमें वापस कौन सी स्टेट मिल रही है, ए स्टेट मिल रही है, और हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, क्योंकि आउटपुट ये जीरो मिल रहा है। जब हम ए पर वन इनपुट दे रहे हैं तो हमें बी स्टेट मिल रही है और आउटपुट क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। इसी तरह से जब हम बी पे आए, बी पर जब हम जीरो इनपुट दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है, देखो जीरो इनपुट पर हमें क्या मिल रही है, सी स्टेट मिल रही है और आउटपुट क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। इसी तरह से बी पर जब हम वन दे रहे हैं तो हमें डी मिल रही है और आउटपुट क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। फिर आते हैं हम सी पर, तो सी पर जब हम जीरो इनपुट दे रहे हैं तो हमें वापस जीरो मिल रहा है और स्टेट क्या मिल रही है, ए मिल रही है। जब हम दे रहे हैं इसमें वन इनपुट तो हमें क्या मिल रहा है, डी स्टेट मिल रही है और आउटपुट भी क्या मिल, आउटपुट क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। इसी तरह से अब हम डी को देखते हैं, तो डी पर जब हम जीरो इनपुट दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है, ई स्टेट मिल रही है और आउटपुट क्या मिल रहा है, जीरो। फिर डी पर जब हम वन स्टेट वन इनपुट दे रहे हैं तो हमें स्टेट क्या मिल रही है, एफ मिल रही है और आउटपुट क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। फिर हम आते हैं ई पर, तो ई पर जब हम जीरो इनपुट दे रहे हैं तो हमें वापस ए मिल रहा है, ए स्टेट मिल रही है और आउटपुट क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। फिर जब हम ई पर वन इनपुट दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एफ मिल रहा है और उस केस में हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, अब वन मिल गया है। अब हम आते हैं F पर, तो F पर जब हमने जीरो इनपुट दिया तो हमें क्या मिला, G मिला और फिर आउटपुट क्या मिला, जीरो मिला। फिर F पर जब हमने क्या दिया, वन इनपुट दिया तो हमें वापस क्या मिला, F मिला और आउटपुट क्या मिला है, वन मिला है। फिर G पर आते हैं, अब G पर जब हमने जीरो इनपुट दिया तो हमें क्या मिल रहा है, A मिल रहा है और G पर जब हमने और आउटपुट क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। G पर जब हमने वन इनपुट दिया तो हमें आउटपुट मिल रहा है वन और स्टेट क्या मिल रही है, F मिल रही है। और यहां पर एक करेक्शन है, यहां पर आएगा वन, इसका मतलब क्या है कि डी पर जब हम वन इनपुट दे रहे हैं, डी पर जब हम वन इनपुट दे रहे हैं तो एफ मिल रहा है लेकिन आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। तो ये एक करेक्शन है इसमें। अब ये मिल गई हमें स्टेट टेबल, अब इसमें हमें क्या करना है, अननेसेसरी स्टेट्स को हटाना है। तो इसमें हमें क्या देखनी है, इक्विवेलेंट स्टेट्स देखनी है। तो इक्विवेलेंट स्टेट्स कौन सी होती है, मतलब ऐसी दो स्टेट्स, मतलब दो स्टेट्स तब इक्विवेलेंट कहलाएंगी जब हमें उनमें नेक्स्ट स्टेट भी सेम मिल रही हो और हमें आउटपुट भी सेम मिल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम देखें तो ये ई और जी ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर स्टेट्स हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उस पर जीरो इनपुट देने पर दोनों में ए मिल रहा है और वन इनपुट देने पर दोनों में क्या मिल रहा है, एफ एफ मिल रहा है। और इसी तरह से आउटपुट भी क्या मिलने चाहिए, सेम ही मिलने चाहिए। जीरो पर यहां पर भी जीरो मिल रहा है, यहां पर भी जीरो, यहां पर भी वन मिल रहा है, यहां पर भी वन मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि ये और ये ई और जी ये दोनों क्या है, सिमिलर है, बिल्कुल एक जैसी है ये स्टेट्स, तो हम क्या करेंगे, इस जी को कर देंगे क्रॉस, मतलब इसको क्या कर देंगे, हम क्रॉस कर देंगे। अब यहां पर जहां जहां पे भी हमें क्या मिल रहा है, जी, वहां पर हम क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे, क्योंकि ई और जी क्या है, इक्वल है। तो हम क्या लिख देंगे, जहां जहां पर भी जी है वहां पे हम क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, ई लिख दिया। अब ऐसा करने से क्या हो गया, अब ये डी और एफ ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कैसे, देखो डी पर भी जीरो देने पर ई मिल रहा है, यहां पर भी ई मिल रहा है, एफ पर भी, डी पर भी वन देने पर एफ, यहां पर भी एफ, यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो, यहां पर भी वन, यहां पर भी वन। तो अब हम किसको क्रॉस कर देंगे, इस वाली को कर देंगे क्रॉस कर देंगे, मतलब हटा देंगे। अब क्या क्या इक्वल आए हमारे, डी और एफ इक्वल आए, तो जहां जहां पर एफ है वहां पर हमें क्या मार्क कर देना है, डी मार्क कर देना है। तो अब हमें यहां पर मार्क कर देना है डी,
यहाँ पर भी क्या मार्क कर देना है, डी मार्क कर देना है। अब हमें देखने में क्या लग रहा होगा कि ये दोनों सी और ई क्या है, सिमिलर है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो भले यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है, बट ये सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर तो जीरो जीरो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें आउटपुट में वन देने पर जीरो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर वन देने पर हमें क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। तो ये दोनों सिमिलर नहीं है। तो इसके अलावा अब कोई स्टेट इक्विवेलेंट नहीं है, इक्वल नहीं है। तो अब हमारा ये क्या बन गया, फाइनल स्टेट डायग्राम बन गया। इसको हम वापस से बना के, स्टेट टेबल बन गई है, इसको हम अलग से एक पेज पर बना के फिर से हम क्या बनाएंगे, स्टेट डायग्राम। अब हमने जब स्टेट टेबल को मिनिमाइज किया तो हमें ये वाली स्टेट्स मिल चुकी थी, ए बी सी डी ई और एफ और जी क्रॉस हो गई थी, ए सी ई ई ए। तो ये क्या आ गई, हमारी नई स्टेट टेबल आ गई। अब हमें इसके लिए क्या बनाना है, स्टेट डायग्राम बनाना है। तो अब हमारे पास जो स्टेट्स बची है वो क्या, ए बी सी डी ई। तो यहाँ पर ए बी सी डी ई इनको हमने मार्क कर दिया। अब हम देखते हैं ए पर जीरो पर देने पर हमें क्या मिल रहा है, ए ही मिल रहा है। तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, वापस ए ही मिल रहा है, और आउटपुट में क्या मिल रहा है, जीरो। तो जीरो देने पर हमें क्या मिला, जीरो मिला। इसके बाद में ए पर वन देने पर हमें मिल रहा है बी, तो वन देने पर बी मिला और आउटपुट क्या मिला, जीरो मिला। फिर इसी तरह से बी पर हमें जीरो देने पर मिला सी, तो बी पर जीरो देने पर हमें क्या मिला, सी, और आउटपुट क्या मिला, जीरो मिला। तो ये आउटपुट हो गया जीरो। फिर बी पर वन देने पर हमें क्या मिला है, डी मिला है, और आउटपुट में क्या मिला है, जीरो मिला है। तो वन देने पर हमें क्या मिला है, यहाँ पर जीरो मिला है, मतलब वन देने पर हमें क्या मिला है, जीरो मिला है। फिर इसके बाद आता है सी, सी पर जीरो देने पर हमें ए मिला, तो हमें जीरो देने पर क्या मिला है, ए मिला है, और आउटपुट क्या मिला है, जीरो मिला है। और सी पर वन देने पर हमें क्या मिली है, स्टेट डी मिली है, और आउटपुट क्या मिला है, जीरो मिला है। तो आउटपुट क्या मिला है, जीरो मिला है। तो वन देने पर हमें क्या मिला है, जीरो मिला है। अब इसके बाद में फिर डी पर जीरो देने पर ई मिला है, तो डी पर हमें जीरो देने पर ई मिला है, और आउटपुट क्या मिला है, जीरो मिला है। और डी पर वन देने पर हमें वापस क्या मिल गया है, डी मिला है, और आउटपुट क्या मिला है, हमें वन मिला है। फिर आते हैं ई पर, तो ई पर जीरो देने पर हमें मिला है ए, तो जीरो देने पर हमें ए मिला है, और आउटपुट जीरो मिला है। और डी पर वन देने पर हमें क्या मिला है, ई पर वन देने पर हमें क्या मिला है, डी मिला है, और आउटपुट क्या मिला है, वन मिला है।